नमस्ते, मैं मंजू कुमारी। आज आप क्षितिज भाग वन का पाठ सवद कबीर दास जी द्वारा लिखा गया है सवद। तो मैं इस पद का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, इसका सारांश बताने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं साखी और सवद का फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों के लिए मैं सारांश कुछ बता देती हूँ तो समझने में काफ़ी सुविधा होगा। तो सवद का सारांश है, कभी कहते हैं कबीरदास जी, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में। खोजी हो तो तुरते मिली हो पलभर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ खोजते हो। यहाँ कबीरदास जी का मतलब है, इसमें स्वयं निराकार पर ब्रह्म को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि तुम मुझे कहाँ खोज रहे हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भक्ति दो तरह के होते हैं, एक सगुण भक्ति भक्त होते हैं, एक निर्गुण भक्ति होती है। तो सगुण साकार भक्ति को कहते हैं जिसमें हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे राम की मूर्ति होती है, कृष्ण की, शिव की, काली माँ, दुर्गा माँ का हम लोग साकार मूर्ति का पूजा करते हैं, इसको हम लोग सगुण भक्ति कहते हैं। और जो निराकार मतलब कोई मूर्ति वहाँ नहीं रखा जाता है, और वहाँ जो सद्गुरु होते हैं वे हमें ज्ञान देते हैं, कि उसमें एक जप करने के लिए बताया जाता है, और वह जप किसी को बोला नहीं जाता है, वह सद्गुरु देते हैं। वे जो होते हैं मूल ईश्वर का, जो राम कृष्ण शिव जो भी काली दुर्गा हैं, उनका जो मूल नाम होता है, उस मूल नाम का हमें साक्षात्कार कराया जाता है, और उसको हम लोग जप करते हैं। तो जप करने की विधि क्या होती है, सारी विधि जो है सद्गुरु बताते हैं। तो कबीरदास जी जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, वे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और वे सगुण निर्गुण भक्ति के संत थे। तो कबीरदास जी बताए हैं कि किस तरह से ईश्वर का साक्षात्कार हम कर सकते हैं, क्योंकि यह जो मानव जीवन मिला है वह बार बार नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से हमारा शरीर जो है मानव का शरीर मिला है। तो उनका कहना है कि इस तरह से यूं ही इस जीवन को बर्बाद नहीं कर देना चाहिए, और इस जीवन में ही ईश्वर की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है। और हम लोग 84 लाख योनि में भटके रहेंगे अगर हम ईश्वर की प्राप्ति इस जीवन में नहीं करेंगे, तो 84 लाख योनियों से हमें गुजरना पड़ेगा। कभी कीड़े मकोड़े, कभी गाय, कभी भैंस, कभी बकरे, न जाने क्या हम लोग सांप बिच्छू बन जाएंगे। तो यह कर्म पर आधारित होता है, जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। तो हम लोग इस जीवन में नहीं जानते हैं कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमें कोई भी काम गलत काम नहीं करना चाहिए, और ईश्वर के प्रति अधिक से अधिक हमें समय देना चाहिए, क्योंकि यह संसार एक न एक दिन छूट जाता है, और साथ में जो है वही भक्ति जो हम किए हैं वही साथ में जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो बाहर मत ढूंढो, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वे कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे पास में ही हैं, अंदर में ही ईश्वर हैं, शरीर के अंदर ही परमात्मा होते हैं, तो उसे तुम ढूंढो, वे तुम्हारे बहुत नज़दीक हैं। और जब तुम ढूंढोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने नज़दीक हो। वे बोल रहे हैं कि ना मैं मंदिर, ईश्वर बोल रहे हैं ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ, ना कैलाश में हूँ। काबा क्या होता है? मुस्लिम का तीर्थ स्थान होता है, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान होता है, कैलाश पर्वत। तो यहाँ बता रहे हैं कि ना मैं काबा में, ना कैलाश में हूँ, अतः इन जगहों पर मुझे क्यों खोज रहा है।
इन जगह पर खोजते खोजते तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। ईश्वर तुम्हारे शरीर के अंदर ही हैं, बस तुम्हें सद्गुरु की ज़रूरत है। और जब सच्चे सद्गुरु तुम्हें मिलेंगे तो वे तुम्हें ज्ञान देंगे और सच्चे रास्ता पर चलने के लिए तुम्हें प्रेरित करेंगे। और किस स्थान पे कहाँ खोजना चाहिए, किस तरह ध्यान लगाना चाहिए, यह सब सद्गुरु बताते हैं। तो बोलते हैं कि तुम भटकना छोड़ दो, यह व्यर्थ में तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ना तो मैं किसी विशेष क्रियाकर्म में हूँ, और क्रियाकर्म जैसे हम लोग तंत्र मंत्र साधना करते हैं, सोचते हैं कि तंत्र के द्वारा मंत्र के द्वारा ईश्वर हमें मिल जाएंगे, तो बोलते हैं यह सब गलत है। कोई कर्मकांड करने से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ना मैं योग में हूँ और ना संसार को छोड़कर सन्यासी बनने में, केवल योगी बनकर ही हम रह जाएं और सन्यास लेकर अगर हम जंगल में चले जाएं तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। असल अगर ईश्वर को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो मन की शांति चाहिए, स्थिर हो जाओ, तभी ईश्वर मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, जो एक बार ऐसा हुआ था, उंगली माल डाकू का बहुत बड़ा आतंक छाया हुआ था, और वे क्या करते थे, आदमी का गला काट देते थे और उनके उंगलियों का माला पहन लेते थे। तो एक बार महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो किसी ने रोका कि महात्मन, आप उधर जंगल की तरफ नहीं जाइए, वहाँ पर उंगली माल डाकू रहते हैं जो कि गले को काट देते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध तो ईश्वर के समान थे, वे तो ईश्वर थे, वे सब कुछ जानते थे। वे बोले नहीं ठीक है, मैं मुझे जाने दो। और जब जंगल में पहुँचते हैं तो उंगली माल चिल्लाते हैं कि रुको, ठहरो ठहरो। तो महात्मा बुद्ध नज़दीक पहुँचते हैं और उंगली माल को बोलते हैं कि मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे। इतना सा सिर्फ बात बोलते हैं तो उंगली माल का जीवन परिवर्तित हो जाता है और वे उन्हें पता चल जाता है कि मैं जो भी जीवन में काम किया सारा गलत काम किया। और वे तुरंत महात्मा बुद्ध के चरण पर गिर जाते हैं और महात्मा बुद्ध उन्हें ज्ञान देते हैं, बोलते हैं तुम अज्ञान होकर, अज्ञानी बनकर इतना तुम गलत काम किए, इतने सारे आदमियों को, मनुष्य को तुम मार डाला, तो यह सब अज्ञानता के कारण होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मनुष्य के अंदर ज्ञान आ जाता है तो उसे जीवन में क्या सच है क्या गलत है इस पर चलने के लिए प्रेरणा मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी बताने का कोशिश किए हैं और कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, यानी कबीरदास जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो, जिसके मन में मुझे सच्ची पाने की ललक हो, तो उन्हें मैं तुरंत दर्शन दे देता हूँ। मुझे पाने के लिए पल भर की लगन चाहिए, बस पल भर की लगन चाहिए। जैसा कि विवेकानंद स्वामी के बारे में आप लोग जानते होंगे, विवेकानंद स्वामी जी ईश्वर को पाने के लिए उनके अंदर गहरी ललक थी। वे रात दिन जो है चिंता में डूबे रहते थे कि मुझे कब ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर का दर्शन कब होगा। और रामकृष्ण परमहंस जी जब उनके दोस्त के घर जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो विवेकानंद स्वामी बोलते हैं कि मैं तो यही पूछने के लिए, जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। और उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं कि मैं तुरंत तुम्हें ईश्वर दिखा सकता हूँ। और विवेकानंद स्वामी बोलते हैं कि क्या यह सच है, तो बोले हाँ सच है, जैसे तुम और हम एक साथ बैठ रहे हैं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसी तरह ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर जगह, हर जहाँ हम लोग रहते हैं हर जगह ईश्वर व्याप्त है। और क्षण में ही उनको जो है ज्ञान दीक्षा मिल जाता है और विवेकानंद स्वामी जी को ज्ञान देने के तुरंत बाद ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ कबीरदास जी यही बताने का कोशिश किए हैं कि जिसके मन में लगन होता है, चाह होता है, उसे ईश्वर उसके लिए कोई भी दूर नहीं है, वे काफ़ी नज़दीक है। बस मन में एक लगन चाहिए, मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, प्यार चाहिए। तो यही इस में कहने का कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो भाई संतो, अरे संत भाई तुम लोग सुनो, वह परमात्मा सब प्राणियों में विद्वान है, यानी सब प्राणियों के अंदर ईश्वर विद्यमान है। यह सांस जो है वही तो ईश्वर है। जब सांस निकल जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, शरीर मुर्दा हो जाता है। तो यह सांस ही तो सब कुछ है।
तो जैसे सांस तुम्हारे भीतर है वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है, वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर भटकने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको मैं लंबा नहीं बना रही हूँ, अगर इसको मैं चाहूँ तो काफ़ी लंबा भी बन सकता है, थोड़ा सा लंबा हुआ है तो इसको इसलिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा, ये जो पाठ है इसको समझने के लिए थोड़ा सा लंबा बनाई हूँ। तो आप लोग एक एक चीज़ को समझ लीजिएगा, आगे फिर हम नए पाठ के साथ आप लोगों से मिलेंगे। और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी राय परामर्श देना है तो ज़रूर आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कीजिएगा। आगे फिर हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे हिंदी लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए, और यह फ्री है।